हाय फ्रेंड्स, मैं आज आ गया हूँ ग्रिल्ड फिश विथ लेमन बटर सॉस का रेसिपी लेके, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। फिर चलिए उनके लिए मैं तैयारी करता हूँ। बाय द वे, मैं हूँ शेफ शुभेंदु और आप लोग देख रहे हो आपका पसंदीदा चैनल मिक्स एरोमेटिक। ये ग्रिल्ड फिश बनाने के लिए मैं ये 100 ग्राम का आसपास ये बासा फिश लिया हूँ। ये एक ही फिल है और इनको मैं सबसे पहले अच्छे से ड्राई कर लूँगा। और उनके लिए ये एक टिश्यू पेपर ले रहा हूँ, चाहे आप लोग भी टिश्यू पेपर से या साफ वाला किचन टॉवल से ऐसा करके अच्छे से दबा दबा के और फिश को ड्राई कर लीजिए। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिश अगर आपका अच्छे से ड्राई रहेगा तो मसाला भी अच्छे से आपका एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए फिश को ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मेरा फिश ड्राई हो चुका है, अब मैं इनको मैरिनेशन कर लूँगा। और ये बॉल पे फिश ले लिया हूँ और मैरिनेशन के लिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दे रहा हूँ और उनका साथ साथ ही ऐड कर दे रहा हूँ मैं ये थोड़ा सा एरोमेट पाउडर। और अब मैं हल्का सा स्पाइसी के लिए ऐड कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर और उनका साथ ही ये थोड़ा सा चॉप किया हुआ पार्सली। अब मैं ऐड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ड्राई ओरिगेनो, चाहे फ्रेश भी यूज कर सकते हो आप लोग। और ये ऐड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा लेमन जूस। अब मैं ऐड कर दे रहा हूँ थोड़ा बाइंडिंग के लिए, जैसे ताव में चिपके भी ना और मसाला अच्छे से फिश में चिपक जाए उनके लिए थोड़ा सा एग व्हाइट में डाल दे रहा हूँ बिल्कुल थोड़ा सा। ये हो चुका है, अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ सारे इन्ग्रीडियंट्स, वैसे फिश में अच्छे से घुस जाए। और ऐसा करके 20 से 30 मिनट रेस्ट दूंगा। और 20 से 30 मिनट हो चुका है, मैं ये तवा में थोड़ा सा बटर लगा ले रहा हूँ और जैसे तवा अच्छे से हीट हो जाए तो मैं ये मैरिनेशन किया हुआ फिश को तवा में डाल दे रहा हूँ और इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम में धीरे धीरे ग्रिल कर लूँगा जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ये देखिए एक साइड मुझे लगता है ऑलमोस्ट हो चुका है, अब मैं इसको ऑपोजिट साइड भी ऐसा ही गोल्डन ब्राउन करके ग्रिल कर लूँगा। चाहे आप लोग मैं तावा में कर रहा हूँ चाहे ग्रिलर पे भी कर सकते हो। ये हो चुका है मेरा फिश ग्रिल्ड, अब मैं इनके लिए लेमन बटर सॉस बना ले रहा हूँ। उनके लिए फ्राई पैन लिया हूँ और इसी में मैं ये थोड़ा सा लेमन जूस डाल दे रहा हूँ और जूस में जैसे ही उबल आ जाएगा तो मैं बटर ऐड कर दूँगा। देखिए उबल आ चुका है, अब मैं ये बटर ऐड कर दे रहा हूँ, बटर थोड़ा ज़्यादा करके ऐड कीजिए। और धीरे धीरे मैं बटर को मेल्ट होने दूँगा, इस टाइम गैस का फ्लेम स्लो रखिए जैसे बटर जल ना जाए। देखिए बटर मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ पार्सली ऐड कर दे रहा हूँ। और चाहे इस टाइम पे आप लोग चिली फ्लेक्स या ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हो अगर स्पाइसी बनाना चाहते हो तो। देखिए मेरा लेमन बटर सॉस तैयार हो चुका है, बस इतना सा ही काम है। देखिए लेमन बटर सॉस भी जितना थिकनेस मुझे चाहिए था उतना थिकनेस भी आ चुका है। देखिए बस अब मैं ये प्लेट में ग्रिल किया हुआ फिश को रख ले रहा हूँ और इनका ऊपर से मैं जो लेमन बटर सॉस बनाया इनको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, धीरे धीरे ऐड कर दे रहा हूँ। थोड़ा लेमन बटर सॉस ज़्यादा ऐड कीजिए तभी खाने के लिए मज़ा आएगा। ये मेरा ग्रिल्ड फिश विथ लेमन बटर सॉस तैयार है, बस मैं दो लेमन वेजेस का गार्निश कर दे रहा हूँ। फिर फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये ग्रिल्ड फिश विथ लेमन बटर सॉस का रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे फिर एक नया रेसिपी के साथ।